अरे कलयुग छोटो रूप बनाओ। भैया श्री सूत जी समझाने लगे, हे सोन का दिग्रजियो, परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया, विपरीत कार्य करवाने लगा, ठीक उल्टे। कलयुग सर्वप्रथम परीक्षित से ही प्रकोप शुरू कर दिया। कलयुग अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने लगा, गला सूख गया, परीक्षित को प्यास लगी, पानी की तलाश में आगे परीक्षित महाराज बढ़े हैं। हुआ क्या ऐलाने, परीक्षित महाराज जैसे ही आगे बढ़े हैं, अरे राजे लगी प्यास और भूप जब आगे कोरे दायो, ध्यान देना, परीक्षित महाराज के ऊपर कलयुग सवार, और कलयुग जैसे ही सवार हुआ, गला सूख गया, एक आश्रम की तरफ बढ़े, वहां पानी मिल जाएगा, पानी की आस करके आश्रम में जैसे ही आए, हुआ क्या, अरे जहां पे बैठे नपदारी, अरे जहां पे बैठे नपदारी, श्रृंगी ऋषि के गुरु जो थे समाधि में लीन थे, भजन कर रहे थे। जैसे ही राजा ने देखा, जवाब दिया, इसने तो मेरा अपमान कर दिया, मुझे देखा, इसे पता है राजा आ रहा है, पानी मांगेगा, आंखें बंद करके पहले ही बैठ गया, इसने मेरा अपमान किया है तो मैं इसका मैं अपमान करूं। एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, बाण की नोक से उठाया, गर्दन में डाल लिया। जैसे ही आगे बढ़े, अरे लिखी को कुए मिटवैया, अरे लिखी को कुए मिटवैया, तो कहेंगे सच। ध्यान देना मेरे भक्त श्रोताओं, ध्यान देना शब्दों, अरे
हरे हरे हरा बोलो मेरे प्यारे, अरे हरे हरा बोलो मेरे प्यारे। परीक्षित महाराज वहां से जैसे ही चले अपने महल में आए, समझ लो बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद भागवत महापुराण की। परीक्षित महाराज आगे बढ़े हैं, घर पर अपने पहुंचे हैं। जो मुकुट था मुकुट उतार के जैसे ही रखा तो परीक्षित महाराज की आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी, ये क्या हो गया, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब क्या होगा। इधर श्रृंगी ऋषि को ज्ञात हो गया, जवाब दिया तुम्हारे गुरु का अपमान करके यहां का राजा चला गया। श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही इतने शब्द सुने कमंडल में से तत्काल ही जल लिया और जल लेने के बाद में श्राप देने लगे। परीक्षित को श्राप देने लगे, जवाब दिया ओए ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया पथ के दीवाने, मेरे हाथन से मोती तेरी लेके भेजी विश्वविधाता ने। साथ में रोज इस पापी को एलानी यमपुर पहुंचाइए। मंडल में से जल लिया श्रृंगी ऋषि ने, जल लेने के बाद में जवाब दिया ओए धन के मतवाले राजा, वो माया पथ के दीवाने, और मेरे हाथन से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता। ओ सावधान यो सावधान, ओ तच्छक जीव तो हो जाइए, और सात में दिन इस पापी को यमपुर की हवा श्राप देने के बाद में जैसे ही आश्रम पर आए हैं श्रृंगी ऋषि गुरुदेव की, जैसे समाधि खोली जवाब दिया